हेलो एवरीवन, देखिए आज हम आपको ग्रामर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कराने जा रहे हैं जिसका नाम है पैसिव वॉइस। तो देखिए पैसिव वॉइस जो है ना, वॉइस को आप जानते ही हैं, आवाज की बाकी को कहने के तरीके अलग अलग होते हैं, बाकी चीज एक ही होती है। तो हम इसको शुरू करते हैं। जो वॉइस है हमारे, वॉइस यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वॉइस दो प्रकार के होते हैं, और कौन से होते हैं वो हम आपको बताते हैं। दो प्रकार के होते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। पहला है हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मैं आपको बता दूंगी, इसमें ना एक्टिव वॉइस है, इसमें ना सब्जेक्ट जो होता है हमारा कर्ता, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम को कर रहा है वो प्रधान होता है, उसी पर पूरा वाक्य आधारित होता है, वो प्रधान होता है, उसी की चलती है। कि जैसे सारा जो काम करेगा ना वो कर्ता करेगा, कर्ता प्रधान वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल, राम खाना खाता है, खाना खाता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, अभी तो क्या था हमारा सब्जेक्ट, इसमें प्रधान है, सब्जेक्ट को ही अहमियत दी जा रही थी, लेकिन इसमें ना कर्म प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट को प्रधान माना जाता है इसमें। ऐसे वाक्य कैसे होते हैं, कर्म प्रधान होते हैं। जैसे यहां पर अब ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, खाना राम के द्वारा खाया जाता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं खाया जाता है। आप जैसे मैं आपको लिख रही हूं ना, आपको भी अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखना है, सेम जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं बोर्ड से, इसी तरह से सेम, ज्यादा कोई फर्क नहीं आने वाला है इस चीज में। तो देखिए ये तो आपने समझ लिया कि एक्टिव वॉइस क्या है, इसमें कर्ता प्रधान वाक्य होगा यानी कि सब्जेक्ट होगा, और जो पैसे वॉइस है इसमें कर्म प्रधान होगा, वाक्य कर्म से शुरू होगा। तो देखिए पैसे वॉइस को यहां पर हम इस तरह से स्टार्ट कर लेते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसे वॉइस बनाने के लिए दो प्रकार के चेंज करने होते हैं, चेंजेस भी होंगे इसमें, और आपको बड़े ध्यान से सुनना है, हम बड़ा सरल तरीका आपको बताने वाले हैं, अब तक ऐसा किसने बताया नहीं होगा आपको। बनाने के लिए दो प्रकार के चेंज होते हैं, प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। पहला है हमारा प्रोनाउन चेंज, नंबर वन है हमारा प्रोनाउन चेंज, PRONOUN, प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज में देखिए प्रोनाउन टेबल आप सब जानते हैं, आई माई मी वी आवर अस यू योर यू ही इज हिम सी हर दे देयर देम इट इट्स इट्स, ये तो सब जानते हैं। तो देखो आई का हो जाएगा मी, अगर मी आता है तो आई होगा, आई आता है तो मी हो जाएगा, उल्टा सीधा है इनका। वी का अस हो जाएगा, अस आता है तो वी हो जाएगा, और वी है तो अस हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। यू का यू ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों साइड देखो यू यू और यू दोनों साइड सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक से रहते हैं, इसलिए आपको ऐसे लिख देना यू का यू ही होता है। सी का सी हर हर सी हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो गया, ही का हिम हो गया, दे का देम हो गया, और इट का इट ही रहता है। तो ये तो हो गए आपके प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज कैसे होंगे, जैसे ये टेबल है, आप लिखना चाहे तो यहाँ प्रोनाउन टेबल भी लिख सकते हैं, PRONOUN प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउन टेबल आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में आती है आपकी आई माई मी वी अवर अस, सेकेंड पर्सन में है आपकी यू योर यू, थर्ड पर्सन यहां पर है ही हिज हिम शी हर हर
they are them it's it. ये इसकी प्रणाम टेबल है, आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ये बनती है, देखिए बड़े ही आसान तरीके से बन गई। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो देखो एक चीज यहां गौर करने वाली ये है कि अब ये जो आपको दिख रही है ना पहली लाइन, ये सब्जेक्टिव केस है। क्या है? सब्जेक्टिव केस, यानी सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं आएंगे या कुछ और। ये है आपका पजेसिव केस। अब पजेसिव मैं आपको बता दूं, मेरा तुम्हारा इसका उसका आप लगाते हैं ना, सब इनमें से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मेरा घर माय होम, हमारा स्कूल अवर स्कूल, तुम्हारा घर योर होम, इस तरह से लगा देते हैं। उसकी किताब हिज बुक, उसका घर हर होम, हमारा स्कूल नहीं हमारा नहीं उनका उनका घर दे होम एड्स इसका, इस तरह से लगा देंगे। अब ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। इनका इस्तेमाल हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप पर किया जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ही होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा चेंजेस हम देख लेते हैं। तो हमें ना बीच वाले को तो कुछ करना ही नहीं है, पजेसिव को हमें सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव में चेंज कर देना है, ऑब्जेक्टिव होता है तो सब्जेक्टिव में, इस तरह से हमें इनका इंटरचेंज करना है। दूसरा चेंज आता है हमारा, दूसरा चेंज भी देख लेते हैं। चलिए कौन सा आता है दूसरा चेंज? हाँ, तो दूसरा चेंज है हमारा टेंस से संबंधित चेंज, पर टेंस के चेंजेस होने वाले हैं। टेंस चेंज में क्या क्या आने वाला है देखिए एक बार। दूसरा है हमारा टेंस चेंज। टेंस चेंज को बड़े गौर से समझना, बड़े गौर से समझने की जरूरत है, क्योंकि जब भी आपको दिखे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई वाक्य है तो उसका जो पेस्ट पॉइस बनेगा वो बनेगा इज आर एम प्लस एम बी थर्ड। ध्यान रखना एक चीज का और ध्यान रखना, टेंथ चाहे कोई सा भी हो लेकिन आपको लगाना एम बी थर्ड ही है पैसिव वॉइस में। टेंस चाहे कोई सा भी हो मतलब नहीं है हमें उससे, लेकिन जब कभी भी आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आपको एमबी थर्ड ही लगानी है। इसका आप एकदम गांठ बांध लो कि हाँ भाई हमें तो एमबी थर्ड लगानी है, मतलब लगानी है। इजारे एमबी थर्ड हो गया। यहां पर हम लिख देते हैं टेंस का नाम लिख दिया यहां पर, और पैसिव वॉइस में टेंस जो बनेगा उसका लिख देते हैं पैसिव वॉइस का टेंस किस प्रकार से रहेगा वो भी देख लीजिए आप। ये तो रहा दूसरे नंबर पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देख लीजिए आप, इसमें आने वाला है इज आर एम प्लस बीई आई एन जी, इसका भी हम आपको डिटेल में बता देते हैं, और एमबी थर्ड। अब हमने यहाँ आई एन जी क्यों लगाई है, बीई लगा करती, क्योंकि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको वाक्य आएगा तो इसमें आई एन जी जरूर आएगी, और पैसे वॉइस में कोई भी चीज छोड़ते नहीं है तो इसलिए यहाँ पर हमने आई एन जी का इस्तेमाल बीई लगाकर किया है, इसलिए यहाँ पर ये आई एन जी आपको दिख रही है। समझ में आया मैंने आपको, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देख लीजिए, इसकी बनने वाली हमारी हैज, हैव प्लस बीन। बीन आपको लगाना है, ध्यान रखना क्यों लगाना है वो भी बताते हैं, एमबी थर्ड। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हैज बीन, हैव बीन, एमबी थर्ड, ऐसे भी कर लो, एक ही बात है। अब हमने यहां बीन इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी पैसिव वॉइस बनती नहीं है। अब बनती नहीं तो उसने क्या किया, कह ले आप मेरा ये ले ले, बीन ले ले, तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा और मेरा भी नाम चलता रहेगा। तो इस तरह से उसने बीन हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, उसकी पैसिव वॉइस यहाँ नहीं बनने वाली, इसका आप ध्यान रखना। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके आगे आप लिख सकते हैं इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है।
इसकी पैसिव वॉइस पीवी, पैसिव वॉइस मतलब शॉर्ट फॉर्म में पीवी लिख दीजिए, इसकी पीवी नहीं बनती है भाई, बनेगी नहीं, इसकी नहीं बनती है, बात खत्म। चलो चलिए अगला ले लेते हैं, पास्ट पर आ चुके हैं हम। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट सिंपल दोनों एक ही चीज है। पास्ट इंडेफिनिट का देखिए किसमें बनने वाला है, वाज वर्ब प्लस एमबी थर्ड, वाज वर्ब प्लस एमबी थर्ड, वाज वर्ब प्लस एमबी थर्ड, इसका ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल आने वाली है जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी। आगे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं, इसमें तो आई एन जी आएगी, अब आई एन जी हमारे पास आ रही है तो बी ई आई एन जी लगानी पड़ेगी हमें, तो लगाइए वाज वर प्लस बी ई आई एन जी प्लस एम बी थर्ड, लगा दिया हमने बी ई, क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है ना, तो इसमें आई एन जी वाला वाक्य आएगा, अब आई एन जी को छोड़ तो सकते नहीं है क्योंकि पैसे बहुत में कुछ भी चीज नहीं छोड़ते, तो हमने यहाँ बी ई लगा करके इस्तेमाल किया है, आपको भी ऐसे करना है, इसका ध्यान रखना। अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए आप, इसकी तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं रहती इसमें तो, कि अरे एक वचन के लिए कौन सी, बहुवचन के लिए कौन सी, सिंगुलर प्लुरल पता नहीं क्या क्या, तो वो भी चिंता नहीं है आपको, कि यहाँ पर हेड है, हेड के साथ आप लगा देंगे बीन, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनेगी हेल्प वो पैसिव वॉइस, इसलिए इसका बीन ले लेंगे हम प्लस एम बी थर्ड। अब हम लिख रहे हैं अगला नाम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लीजिए, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, आप इसके सामने लिख सकते हैं कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, अब फ्यूचर इंडेफिनिट का हम यूज करने वाले हैं इसमें विल सेल प्लस बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि बिल बी सेल बी प्लस एम बी थर्ड, और प्लस एम बी थर्ड का हम इस्तेमाल यहां कर रहे हैं। अब बी का इस्तेमाल हमने क्यों किया, आप कहेंगे कि ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपने इस्तेमाल कर ली विल बी और सेल बी, तो वो ऐसा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की कोई पैसिव वॉइस बनती नहीं है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस देख लीजिए आप, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो आप लिख देंगे इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसकी बीवी नहीं बनती है, लिख दिया आपने। तो देखिए अब आप देख ले अगला फ्यूचर परफेक्ट पीई आर एफ ई सी टी परफेक्ट, इसकी आप इसका भी देख लीजिए आपकी इसमें बनने वाली है विल सेल प्लस हैव बीन, अब आप कहेंगे कि मैडम ये हैव बीन कैसे ले लिया आपने, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगी, इसलिए हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस्तेमाल की है प्लस एम बी थर्ड, प्लस एम बी थर्ड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके सामने आप लिख दें कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, देखा बच्चों। अब ये तो रहा आपका थोड़ा सा ग्रामेटिकली, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देती हूँ कि देखिए इतनी बड़ी टेबल अब याद तो करने वाली कोई चीज है नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल सा है कि जो भी टेंस है वो अपने खुद की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ना करके अपने नीचे वाले टेंस की इस्तेमाल कर रहा है, जैसे देखो इंडेफिनिट ने किया कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि वो बी ई लगा करके आई एन जी इस्तेमाल कर रहा है, परफेक्ट जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की ले रहा है, सारे टेंस सही है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हम भी बनाने वाले नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बन रही है तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो इसकी ले रहा है, इस तरह से एक टेंस जो है ना वो दूसरे की हेल्पिंग वर्ब ले रहा है सिवाय किसको छोड़कर, कंटिन्यूअस को छोड़कर, सिवाय कंटिन्यूअस को छोड़कर कि वो अपनी खुद की करता है और बी ई लगा करके आई एन जी लगाता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है।
बाकी का और आगे देख लेते हैं चलिए कि आगे और क्या रूल्स हैं। अब देखो ये तो रहे आपके टेंस चेंज हो गए, प्रणाम चेंज हो गए, अब बारी आती है आपके आप बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर क्या होने वाला है इसका। तो स्ट्रक्चर बड़ा ही आसान होने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको कराने वाले हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, सबसे पहले यहां पर आप लिख लीजिए इस तरह से, पैसे बॉयज बनाने के नियम, बनाने के रूल्स या नियम कुछ भी लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। नंबर वन, इस तरह से आप पॉइंट लगा लें, वाक्य को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, कर्म से शुरू करें। किसे शुरू करना है आपको, ऑब्जेक्ट से शुरू करना है, वाक्य को ऑब्जेक्ट से शुरू करें, वाक्य को ऑब्जेक्ट से शुरू करें। और ध्यान रखना अब हमें सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। और यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार सही टेंस पहचान करके आपको सही टेंस पहचानना है, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, सभी में चाहे कोई सी भी पैसिव वॉइस हो, सभी में एमवी थर्ड का इस्तेमाल करेंगे आप। किसका करेंगे, एमवी थर्ड फॉर्म का, एमवी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें, का प्रयोग करें। ये हो गया। अब इसके बाद देखें अंत में, भाई अब इसका एंड होने वाला है, बाई प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट जो भी होगा वो लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। हो गया, ये आपको ध्यान रखने हैं, इसी से बनने वाले हैं। वैसे मैं आपको एक और बता देती हूँ, देखो इस तरह से सारे जो फॉर्मूले होते हैं ना इंग्लिश के, हर एक वर्ड इस पर आधारित होता है, इस पर ही बेस्ड होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हिंदी में बोले तो कर्ता क्रिया कर्म। देखो सब्जेक्ट से जैसे मैंने सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी मेन वर्ब है, दोनों हमने लिख लिए। और ऑब्जेक्ट आप किसी भी वाक्य को देख लीजिए, सारे जो इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो इस पर बेस्ड होते हैं, सब कुछ इसी पर आधारित होता है। तो हमें पैसिव वॉइस में करना है क्या, मान लीजिए हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है स्ट्रक्चर वाइज, तो पहले आप ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, ला लो भाई ऑब्जेक्ट को ले लिया, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी हमारी, मैम भी थर्ड हो जाने वाली है, प्लस अब बाई यहाँ लगा देंगे, बाई और प्लस सब्जेक्ट, बस बात खत्म। पंचुएशन लगाना ना भूलें, पंचुएशन यानी कि पीछे जो भी चिन्ह दे रखा है, फुल स्टॉप है चाहे वो क्वेश्चन मार्क है, उसको लगाना आप ना भूलें। और जिस टाइप का हमारा सेंटेंसेस है, उस सेंटेंस है उसी टाइप का हमें यहाँ पंचुएशन लगाना है, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये तो रही आपकी बेसिक नॉलेज। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स हो जाए, एग्जाम्पल देखिए, He bought a book, इस तरह से हमने लिख दिया है। तो इसको पीवी में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, देखिए पीवी में कन्वर्ट होने वाला है। और इस तरीके से देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो इसमें दे नहीं रखी क्योंकि अपने आप में पिछले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब होती तो इज आर एम हैज हैव डिड और डिड तो आती नहीं है साधारण वाक्यों में, विल्स हैव कुछ तो होता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बिना हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य है। और हमारे पास दो ही ऐसे टेंस हैं जिनकी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती है साधारण वाक्यों में, एक तो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा है हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो इसमें एस या यस जरूर होता क्योंकि यह एक वचन सब्जेक्ट है ही, एस या यस जरूर होता, लेकिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ही नहीं, कौन सा टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ही नहीं। रही बात अब पास्ट इंडेफिनिट की, यहाँ सेकंड का इस्तेमाल होता है, तो बाई वी यू बाई, बाई मीन्स खरीदना और बॉट बॉट इसकी सेकंड फॉर्म दिख रही है हमें, इसका मतलब ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपको भी ऐसे ही पहचानना है, एक बार पहले आप टेंस पहचानेंगे, टेंस पहचानने के बाद ही पता लगेगा
कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल होने वाला है पैसिव वॉइस में। तो देखिए सब्जेक्ट हेल्पर है नहीं मेन वर्ब, और मेन वर्ब के तुरंत बाद मिलता है ऑब्जेक्ट। तो पहले आ छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको, इसको भी इसके साथ लेके चलना है। तो इसको हम आ को कर लेंगे मैं बड़ा, क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। आ बुक हो गया, एक ही किताब है। अब देखिए पांच डेफिनेट टेंस है, तो पांच कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने वाले हैं ये। तो आ बुक एक ही किताब है, इसलिए वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। आ बुक वाज बाई बॉट बॉट, ये इसकी थर्ड फॉर्म यही है बाई। अब मैंने आपको एक रूल्स बताया था कि ही हिज हिम होता है कि नहीं होता, तो बीच के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, इतना जरूर ध्यान रखना। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह से आ जाए ही बीट्स मी, ओके बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन देखिए कितना बड़ा सेंस गया है इसका। अब जहां जितना छोटा वाक्य आएगा ना आपको बिना हेल्पिंग वाला, तो उसमें उतनी प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा होंगी देखने में। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये टेंस कौन सा है, टेंस पहचानिए, यहाँ पर लगा हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हमारे पास बेसिकली सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब है। केवल दो टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। पहला तो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पहचान होती है कि उसमें एस या एस लगता है। हमारे पास सिंगुलर नाउन है, एक वचन सब्जेक्ट है हमारे पास, तो एस या एस यहाँ पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो लगाइए, अब आपको टेंस तो पहचान लिया। अगर यह सेकेंड फॉर्म यहाँ होती तो ये पास्ट डेफिनेट हो जाता, बाकी की तो और सबकी हेल्पिंग वर्ब आई जाती है, तो पहचानने में दिक्कत भी नहीं होगी हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ बताया था आई माई मी, इस तरह से आई माई मी, तो यहाँ पर आया है मेरा मी, ऑब्जेक्टिव केस आया है। बीच वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस आया है तो सब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है। तो चलिए सब्जेक्टिव केस में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो क्या इस्तेमाल होने वाला है, आई आई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेने वाला है। अब कंटिन्यूअस की लेगा तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम बीट बैट बीटन, बीई ए टी एन इसकी थर्ड फॉर्म है। एम बी थर्ड का इस्तेमाल करना है, टेंस से क्या मतलब है हमें तो एम बी थर्ड का इस्तेमाल करना है। जब भी पी बनाएंगे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। बीटन यहाँ बाई प्लस सब्जेक्ट लगने वाला है, क्योंकि लास्ट में लिखा है ना अंत में बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, तो बाई हम लिख चुके हैं। सब्जेक्ट ही का जाकर के ऑब्जेक्टिव केस में क्या होने वाला है, हिम। इस तरह से आप भी इसे करने वाले हैं, और आपको इस चीज का ध्यान भी रखना है, कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर आप मैंने मी दे दिया तो अरे ये मी कैसे आया, इसका क्या करना है। कहीं आप नाम वाले ही सीख कर बैठे हैं कि ऐसे, जैसे एग्जाम्पल और भी देते हैं, जैसे रवि रवि हैज हेल्प्ड द बैगर, ठीक है, इस तरह से ये नाम वाले हैं। यहां पर हमारा प्रोनाउन आया है दोनों साइड में, तो वो भी बताना बहुत जरूरी था। चलिए शुरू करते हैं इसका पीवी देखिए। सबसे पहले टेंस पहचान लिया जाए, टेंस पहचानने के बाद ही कुछ और हो सकता है। तो चलिए टेंस पहचान लेते हैं। यहाँ पर है हमारा हैज हैव एम बी थर्ड। मैं आपको याद दिला दूं कि जब हमने टेंस किए थे तो हैज हैव एम बी थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आपको भी ऐसे ही पहचानना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने एक बार पहचान लिया है तो बस फिर तो समस्या ही सॉल्व हो गई। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसकी हेल्पिंग वर्ब जाएगी। तो ले लीजिए आप, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये रहा यहाँ पर, तो पहले दी को आप कर लेंगे बड़ा, दी बैगर। अब देखिए बैगर एक ही भिखारी है, कौन है, एक ही भिखारी है, इसलिए हैज का ही प्रयोग होने वाला है। अब हमें ना इसके अनुसार लगानी है, जो ऑब्जेक्ट हमारा आया है सब्जेक्ट बनके, अब इसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगती है सही टेंस पहचान करके। लेकिन ये तो हमारा एक वचन ही है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज लिखा है। तो बैगर हैज एम बी थर्ड लगाइए, बीन और लगेगा इसके साथ, इसके साथ क्या लगेगा, बीन, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेने वाला है। बीन इसकी थर्ड फॉर्म लगाइए, हेल्प्ड बाई, और यहाँ पर नाम है तो आप नाम लिख दीजिए रवि, लेकिन जो नेम है ना किसी व्यक्ति का उसका पहला अक्षर आप कैपिटल रखेंगे। ये आपको भी ध्यान रखना है कि पहला अक्षर आपको
कैपिटल रखना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भेजने वाले हैं, जब हम आपको नोट्स भेजेंगे उनके साथ, वो भी आपको इसी आधार से सॉल्व कर रहे हैं, आप इसका ध्यान रखना।